6 कोर्ड सेट लेकर आई हूँ। किसने पहना है बताओ? कियारा अडवाणी ने। तो मुझे तो ये देख के भाई, वैसे भी मुझे कियारा अडवाणी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने इसके पे देखा, मैंने कहा कि ला मैं भी मंगाती हूँ, बट मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना अच्छा आएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो तुम सब? आई होप कि बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो हैप्पी गाइज। यू नो मैं बहुत टाइम बाद फिर से कुछ नया तुम सबके लिए लेकर आई हूँ। वो भी क्या, लेट ना करती हूँ, मैं तुरंत दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ। वेट, इतने सारे कलेक्शन, लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 कोर्ड सेट लेकर आई हूँ फ्रॉम मीशो। तो जी हाँ गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में तुम सबके लिए मीशो से ना कॉर्ड सेट लाई हूँ। यू नो कॉर्ड सेट बहुत ही ट्रेंडी मैंने मंगाए हैं खुद के लिए। क्या पता तुम लोग को भी अच्छे लगे। तो देर ना करते हुए मैं दिखाती हूँ। ओके, 2000 years later, फर्स्ट दिखाती हूँ। गाइज इन सब के प्राइस ना मैं मेंशन कर दूंगी, पहले तुम सब पिक्चर्स में देख लो कैसे लग रहा है। ओके, पिक्चर्स में देख ले, प्राइस भी मेंशन है। मटेरियल बहुत अच्छा है, नॉट बैड, बट मेरे ऊपर देख लो कैसा लग रहा है। फिटिंग है बहुत ज्यादा, बिकॉज जैसा पिक्चर में तुमने देखा था काफी लूज सा पैंट है एंड मेरी यू नो मेरी हाइट है। ओके, हाइट की वजह से ना मैंने एक्सेल मंगाया था। लुक एट, इस पे एक्सेल तो दिया नहीं है, वेट, देखो इस पे लिखा नहीं है एक्सेल, बट मैंने एक्सेल ही मंगाया था। ओके, तो मैंने एक्सेल मंगाया था, बट फिर भी मुझे बहुत फिटिंग है। मुझे लग रहा है ये स्मॉल साइज है जो भी आ गया, क्योंकि मैंने लूज लूज मंगाया था। और शर्ट जो है ना, जैसा दिख रहा था वैसा ही आया, वैसा ही आया है, बट मुझे ये काफी फिटिंग आ रही है। और ये जैसे कि तुमने पिक्चर्स में देखा होगा, ये साइड, ये बीच से ना मुझे थोड़ा सा स्टिच हो रहा है, तो इसको तो मैं रिटर्न करने वाली है। ओके, सो देर ना करते हुए मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस ये पिक्चर्स में देखो, पहले तुम पिक्चर्स में देख लिया, ये इतना प्यारा, इतना ज्यादा कंफर्टेबल है ना, जैसे कि तुमने मुझे पहने हुए देखा होगा, देख लिया होगा। इसका पेंट मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब एक होता है ना कंफर्टेबल आया। मटेरियल बहुत अच्छा है, मैंने एक्सेल मंगाया है, बिकॉज यू नो मेरी जो टांगे हैं बहुत लंबी है, तो अगर मैं एल या एम साइज मंगाती हूँ तो मुझे पेंट हमेशा छोटा आता है। ओके, तो ये मैंने मंगाया है। इसके अंदर जो तुमने पिक्चर्स में देखा होगा व्हाइट स्पेगेटी हो, तो उस व्हाइट स्पेगेटी मैंने खुद का पहना है। ओके, जैसे कि तुम मैंने पिक्चर्स लगाई है, वीडियो क्लिप लगाई है, तुम देख सकते हो कि मेरे पे कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे तो मैं रखने वाली हूँ, इसे मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। इतने कम प्राइस में और क्या ही चाहिए यार, इसे तुम कहीं भी वेयर कर सकते हो, ऐसा पार्टी में भी पहन के जा सकते हो। मैं तो पार्टी में भी जा सकती हूँ। ओके, क्योंकि मैं मल्टीपर्पज हूँ भाई, मैं कहीं भी कुछ भी पहन सकती हूँ। एंड एक बात और, समर के हिसाब से ना तुम कॉर्ड सेट ही पहनो तो बेस्ट है तुम्हारे लिए, वो भी इस टाइप का, लव इट। देर ना करते हुए नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस पहले तो ये पिक्चर देखो। ओके, पिक्चर देख लिया, किसने पहना है बताओ? कियारा अडवाणी ने। तो मुझे तो ये देख के भाई, वैसे भी मुझे कियारा अडवाणी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने इसके पे देखा, मैंने कहा कि ला मैं भी मंगाती हूँ, बट मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना अच्छा आएगा। आई कांट बिलीव दिस। इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं तो इसे रखने वाली हूँ। तो ये भाई, इसका पैंट मैं दिखाती हूँ। प्लस पॉइंट यार, मुझे पैंट बहुत ही ज्यादा फिट की आ रही है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। ये प्योर कॉटन है, मुझे लगा ना उस टाइप के कपड़े में आएगा। कौन सा कपड़ा होता है निकी, वो जो आता है सिल्क नहीं, एक आता है मुझे पॉलिस्टर वाले कपड़े में, मेरे को लगा वही आएगा, बट ये कॉटन है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो गाइस इसे तो मैं रखने वाली हूँ। प्लस कियारा अडवाणी ने इसको पहना है, उसके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, सोचो मेरे ऊपर कितना अच्छा लगेगा। अभी तक ना मैं इसे पहन के कहीं बाहर नहीं गई हूँ,
ट्रेवल वगैरह कर सकती हूँ, या फिर ये समर का जो मानसून, अब तो मानसून आ गया है, मानसून में मैं ऐसे कहीं भी ऐसे वियर कर सकती हूँ कम्फर्टेबली, यू नो जीन्स वीन्स पहनने का इस टाइम बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो इसे साइड, सॉरी इसे साइड में रखते हैं, तो इसे तो मैं रखने वाली हूँ, बिकॉज नेक्स्ट दिखाती हूँ। पहले इसको पिक्चर्स में देखो गाइज, जैसा दिखा वैसा ही आया, ये मैं या क्या बोलती हूँ, पागल हूँ सही में, मतलब फास्ट फास्ट मेरे को ज्यादा ही फ्लो फ्लो में निकल जाता है। जो ऊपर का ये टॉप है ना, इसे तुम किसी भी जीन्स वीन्स में भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही क्लासी, बहुत ही ज्यादा मतलब कंफर्टेबल, क्लासी, हर एक चीज पे तुम्हें ये जाएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो भाई मैं तो इसे नहीं रिटर्न मारने वाली हूँ, तो मैं तो इसे रखने वाली हूँ। ओके नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, प्लीज 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 बचा लेना मुझे, क्योंकि यही एक कोर्ड सेट है जो कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा है, पिक्चर्स में देख लो, बट एक्सपेंसिव पड़ा है, लेकिन मैं क्या ही बताऊं तुम सबको, मैंने पहना है देख लो, मैं तो ना क्या ही बताऊं, मैंने मंगाई थी एक्सेल साइज, बट ये आई थिंक सो एक्सेल, यस ये एम आ गया है, मीडियम आ गया है, बट फिर भी जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं, ये जो पैंट है ना, अगर मुझे लग रहा है एक्सेल भी आता ना, तो ये वो जो फ्रिल है ना, ये जो प्लाजो टाइप का ये दिया हुआ है, देख लो जैसे कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, पहले तुम लोग देख खुद देखो खुद बताओ, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे यहाँ पे क्रिच बने हुए हैं, प्लेट्स बने हुए हैं, ये प्लेट्स ऐसे फैल जा रहे हैं, तो मैं मेरे अंदर तो चर्बी भरमार है भाई, तो वो चर्बी से ना ये प्लेट्स जो है ना फैल जा रहे हैं, शायद बहुत जो पतली दुबली लड़की होगी उसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, मैं तो भाई थोड़ी सी हट्टी कट्टी हूँ, हेल्दी हूँ, तो मेरे ऊपर ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, आई थिंक एक्सेल भी मंगाऊंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ये बिल्कुल नहीं आया है, और ये मैं इसी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इवन ये टी शर्ट भी मतलब कपड़ा मुझे बहुत, इसका कपड़ा भी बहुत खराब आया है, पॉलिस्टर बुरा है, मतलब मेरे को लगा ना एक्सपेंसिव है तो अच्छा आएगा, बट नहीं, ये गलत फहमी कभी मत पालना, ओके तो इसे तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ। लास्ट एंड नेक्स्ट, लास्ट है गाइस, ये जो है ना, ये पहले तुम पिक्चर्स में देख लो, मेरी फ्रेंड ने मंगाया था, उसके ऊपर ये बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा था, ओके बट उसने जब मंगाया था ना, जेब उल्टा आ गया था, मुझे लगा मेरे ऊपर भी बहुत क्लासी लगेगा, बट ये टी शर्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, नो डाउट आई थिंक तुम पे अच्छा लगेगा गाइस, बट ये जो पैंट है ना, देख सकते हो मैंने पहना भी है इसको, मैंने क्लिप ऐड किया है, ये आगे से ना, मतलब ये आगे पीछे क्या है ना, कुछ पता नहीं चल रहा, आगे का कौन सा पीछे का कौन सा है, तो जैसे भी पहनो ये आगे ना पूरा से फुला फुला लग रहा है, मतलब वेस्ट के नीचे से ना थोड़ा सा आगे भी फुला फुला लग रहा है, तो पीछे हिप्स की वजह से आप चीजें उस तरीके की बनाते हो जो वो कवर कर लेता है, बट आगे पूरा ऐसा लग रहा है, मतलब पीछे का भी आगे है, आगे का भी पीछे, समझ में नहीं आ रहा, जैसे भी पहनो आगे से पूरा फुला फुला लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चीप लग रहा है, पिक्चर्स में देख सकते हो तुम सब, तो मुझे ये बहुत ज्यादा खास नहीं पसंद आया, वरना इसका जो कपड़ा मटेरियल है बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसे देखने में तो अच्छा लग रहा, मन तो करे ये टॉप मैं रख लूं, बट मुझे कॉर्ड सेट पहनने थे, बिकॉज मुझे सेट सेट जो होते हैं ना, कॉर्ड सेट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैंने कई टाइम से सोचा था कि मैं इसका हॉल वीडियो लेकर आऊं, ओके तो फिलहाल इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, इसको मैं रिटर्न पे डालने वाली हूँ, एंड
तो गाइस कैसी लगी तुम सबको मेरी वीडियो एंड मेरे कलेक्शंस? अगर तुम लोगों को इसमें से कोई भी कलेक्शन पसंद आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेरे से लिंक मांग लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अभी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है बिकॉज मैं सोचती हूँ तुम लोग प्यारे प्यारे कमेंट करो। और नेक्स्ट बताओ मैं क्या ऐसा हॉल लेकर आऊं और फिर क्या कुछ मैं नया कुछ नया करने की कोशिश करूं। फिलहाल मुझे जो मैं जिस चीज के लिए एक्साइटेड होती हूँ, जो चीज मुझे करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे कॉर्ड सेट्स के रिव्यूज देने थे, मैं जेन्युइन रिव्यूज देती हूँ हॉल वीडियोस के। तो नेक्स्ट देखती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। फिलहाल मेरी इस वीडियो को प्लीज 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 खूब ढेर सारा प्यार दो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड प्लीज हाथ जोड़ के सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू।